हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है दुर्गा ट्यूटोरियल के हमारे इस ऑनलाइन चैनल में। तो जैसा कि हम लोगों ने ट्रिकी मैथ्स के सॉल्यूशंस का स्टार्ट किया था और कुछ वीडियोज हम उसके ऊपर देख चुके हैं, बना चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस को कुछ ट्रिक्स को हम देख चुके हैं और उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज सीखने जा रहे हैं 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लीकेशन 3 डिजिट नंबर से। इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लीकेशन 2 डिजिट से, 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लीकेशन 2 डिजिट से, और आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे, एक कदम और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। आज हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक दुर्गा ट्यूटोरियल के हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले तो जाकर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जाके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन से वो जुड़े रहे और उन तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और आते हैं आज के अपने हम इस टॉपिक पे। टॉपिक क्या है हमारा? 3 डिजिट नंबर को ना हम लोग 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, जैसे कि मैं जो ट्रिक को, जिस बेस को लेकर चलते चल रहे हैं हम लोग, उसी ट्रिक से उसी बेस पे हमें आगे भी कंटिन्यू करना है। तो जिन लोगों ने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है ना, पहले के ट्रिक्स को नहीं देखे, वो सबसे पहले जाकर पहले का वीडियो देखो, वहां को देख लिया तब फिर यहाँ पहुंचो, ठीक है। सबसे पहले करते क्या हम, कि अब हम 2 नंबर लेंगे, 3-3 डिजिट का 2 नंबर लेंगे। एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 1, 2, 4 और फिर लेते हैं 4, 2, 1। चलो 1, 2, 4 को 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि हम लोग करते आते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिजिट्स को वेरिएबल मान लेते हैं, डिजिट्स को वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। कर दो भैया, ए बी सी डी ई एफ हो गया हमारे सारे के सारे डिजिट्स वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट। इसके बाद अपन लोग क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। कौन कौन से स्टेप? तो पहला स्टेप कहता है आमने सामने मल्टीप्लाई, तो सी इंटू एफ। फिर दूसरा स्टेप क्या कहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी इंटू एफ प्लस सी इंटू ई। फिर तीसरा स्टेप में हम और आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई को लेके, क्या करेंगे तीसरा स्टेप, ए इंटू एफ प्लस सी इंटू डी प्लस बी इंटू ई। और चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स कि ए इंटू डी प्लस बी इंटू डी। और पांचवे स्टेप में हम करेंगे ए इंटू डी। देखो जैसे कि डिजिट्स हमारे जो 3 डिजिट के दिए गए हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले 2 आमने सामने वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्रॉस में अब 4 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्रॉस में 6 डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4 और फिर 2। देखो यहाँ एक पैटर्न बन रहा है, 2, 4, 6, 4, 2। कहने का मतलब ये हुआ ना कि जितने भी हमारे डिजिट्स हैं नंबर में टोटल डिजिट्स, उन टोटल डिजिट्स के प्रोडक्ट तक हमें पहुंच जाना है और फिर वहां से हमें रिवर्स करना है। जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे ही हम आएंगे। यहाँ पर हमने 2 डिजिट को मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर हमने 4 डिजिट का यूज किया है, यहाँ पर हमने 6 डिजिट का यूज किया है, और देखो फिर नेक्स्ट स्टेप में 4, फिर यहाँ हमने 4 का यूज किया है, फिर यहाँ 2 पर हमने 2 डिजिट का यूज किया है, ठीक है। अब इसको अपने क्या करते हैं हम लोग, कि क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते हैं, क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि हमारा रिजल्ट आता क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, c इंटू एफ हो जाएगा 4, फिर b इंटू एफ तो ये 2, और c इंटू ई, c इंटू ई 4, 2 जाए 8, तो 2 और 8, 10 का 0 कैरी होगा 1। अब तीनों को करना है तो 1 को 1 से करेंगे 1 और 4 को 4 से करेंगे 16, 2 को 2 से करेंगे 4। देखो 4 को 4 से किया 16 और 2 को 2 से किया 4, तो 16 और 4 20, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 21, क्योंकि सबको हमें सम करते जाना है, और 1 कैरी 22 का 2, और अब हमारा कैरी क्या जाएगा 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर 2 में आ जाएंगे, तो 1 को 2 से 2 और 2 को 4 से 8, तो 10 और 10 और 2 12 का 2 कैरी 1, और फिर लास्ट में हमने सर देखो 4, 4 और 1 क्या हो जाएगा हमारा ये 5। 1, 2, 4 को जब हम 4, 2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 5, 2, 2, 0, 4। ये हमारा होगा 3 डिजिट नंबर को जब हमने 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई किया तो उसका वैल्यू। सिमिलरली एक और एग्जांपल पे हम देखते हैं, एक से तो कुछ होने वाला है नहीं, एक से आज तक किसका क्या हुआ है, एक से आज तक किसका भला हुआ है जो हमारा तुम्हारा सबका भला हुआ है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ और पे प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके एक्यूरेसी आएगी, एक्यूरेसी आएगी तो स्पीड बढ़ेगा, और स्पीड बढ़ेगा तभी तो अच्छे नंबर आएंगे। तो देखते हैं अगला 4, 6, 4 और इसे मल्टीप्लाई करते हैं 5, 2, 3 से। बस देखो तुम लोग को करना क्या है ना, कि जो स्टेप्स मैंने लिखवाए हैं ये 5 स्टेप्स, बस इन्हीं स्टेप्स को माइंड में सेट कर लेना है, याद कर लेना है, समझ जाना है, जो करना है करो, बस ये स्टेप्स को मत भूलो। समझ में आए समझो, ना समझ में आए रट जाओ, लेकिन स्टेप्स यही है, फॉलो इन्हीं को करना है, और यही स्टेप्स तुमको एक्यूरेट आंसर दिलाएंगे। बस करना क्या है कि माइंड ऑफ प्रेजेंस,
माइंड क्या यूज करना है, यूज ऑफ माइंड। आगे मेरी बात समझ में, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 कैरी 1, 6 3 जा 18 और 8 20 और 1, 21 का 1 अब कैरी 2, 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, तो 20 और 12 32 और फिर 12 44 और 2 46 का 6 अब कैरी हो जाएगा 4। ठीक है, फिर देखो ये वाला फॉर्म, ये वाला स्टेप फॉलो करेंगे, 8 और 30 38 और 4 42 का 2 बचेगा कैरी 4 और लास्ट 20 और 4 ये हो गया 24। मीन्स कि जब हम 4 6 4 को 5 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 2 4 2 6 1 2। तो ये था हमारा एक 3 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका, जिससे कि आंसर हम चुटकी बजा के कैलकुलेट कर सकते हैं और एग्जाम में बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअल में होता है क्या है ना कि मैथ का जो भी तुम एग्जाम देने जाओगे, चाहे वो तुम्हारे क्लासेस के हो, टेंथ के हो, ट्वेल्थ को, या फिर तुम कम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम देने जाओ, जैसे कि बैंक, SSC, रेलवे और भी जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, सबसे अधिक कोई समय लेता है तो मैथ में कैलकुलेशन ही लेता है। और खासकर अगर हम बात करें कम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो उसमें तो हमारे पास समय बिल्कुल नहीं होता, 30 सेकंड, 25 सेकंड, 20 सेकंड का समय होता है। और उसमें जब अपने पुराने मेथड से कैलकुलेट करने गए, तब तो भैया हुआ, हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और पास हो गए, मिली हमें नौकरी। तो उसी के लिए, तो वहीं पे सॉल्व करने के लिए तो तुम लोग को बनाया गया है स्मार्ट, और तुम लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ ट्रिक, और जिसका यूज मैं तुम्हें यहाँ करके दिखा रहा हूँ, बस इसे फॉलो करते जाओ। आई होप सभी को ये मेरा कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक समझ में आया होगा। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, वीडियो को पूरे देखिए, जब तक ठीक समझ में ना एक दो बार करके देखिए, और अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दिया जाएगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और दुर्गा ट्यूटोरियल के बाकी सारे वीडियोज देखते रहिए। थैंक यू।